ज्ञान सरकारि करण समी गुरु संसार धर्म ज्ञान अमृत रस धारा ये श्री कमल श्री ग्रंथराज जी जहाँ आचार्य तारण स्वामी बहुत सरल सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं, बहुत सरल भाषा में अपने आत्म स्वभाव का परिचय करा रहे हैं और सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जिन दृष्टि इष्ट संसुद्ध यदि अपना आत्म स्वभाव इष्ट है तो स्वयं शुद्धम तो स्वयं शुद्धता प्रकट होगी। यदि स्वभाव इष्ट है तो अपनी दृष्टि स्वयं शुद्ध आत्मा को देखे, क्योंकि देखो भैया जो वस्तु इष्ट होती है दृष्टि अपने आप उसकी जगह टिकती, जिस वस्तु को अपन चाहेंगे दृष्टि अपने आप ही मनी जाएगा। तो गुरुदेव का सीधा कहना जिन दृष्टि इष्ट संशोधन इष्टम संजोय चित्तनिष्ठम, दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव को देखेगी अपने गैर स्वभाव को संजोएगी तो अनिष्ट परिणाम का त्याग हो जाएगा, विकार परिणाम छूट जाएंगे। इष्टम च इष्ट रूपम आचार परमात्मा कहना है कि हे भव्य आत्मा अपने इष्ट स्वरूप को अपना जो गायक रूप है इष्ट स्वरूप है इस इष्ट रूप को प्रकट करो, क्योंकि यही प्रयोजनी है यही कल्याणकारी है। अपना अतीन्द्रिय आत्मा शुद्ध ज्ञान में पदार्थ यानी ये रूप ही इष्ट है, इष्टम च इष्ट रूपम ऐसे अपने इष्ट स्वभाव को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि ममल स्वभाव में इस ममल स्वभाव में रहने से ही कम संकीर्तना कर्म स्वयं खिल जाएगी। और फिर अपना अगली गाथा का वंचन भी हो गया था भैया अज्ञानम नमोदृष्ट। आचार्य परमात्मा ने सीधा सिद्धांत कहा भी अज्ञानम नमोदृष्ट, अज्ञानता देखने योग्य नहीं है। अज्ञानता क्या कह रहा भैया, अज्ञानता कैसे कहते हैं, अज्ञानता क्या कह रहा है? अरे भगवान आत्मा अज्ञानता मतलब क्या है? लगे ये पर में जो मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई ना, ये पर पदार्थ मेरे, ये संयोगी पदार्थ मिले मेरे, ये राग का करने वाला मैं, द्वेष का करने वाला मैं, ये मोह परिणाम मुझमें उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर्म विकार मुझमें उत्पन्न हो रहे हैं, भोजन कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ये पर में नाना प्रकार की जो किसी भी प्रकार की मान्यता पड़ी हुई ना भी है, पर पर्याय में कुछ भी मान रहे हो ना, तो पर पर्याय में कुछ भी मान नहीं है क्या?
पर पर्याय में कुछ भी मानना ही अज्ञानता है। और आचार कारण स्वामी कह रहा है अन्यवानाम नवदृष्टा, अज्ञान की तरफ मत देखो भाई। तो गुरुदेव क्या देखिए कहने के ज्ञान सहावेन अनमोय मुमलम चा, तुम तो ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करो, ममल स्वभाव की अनुभव न करो, क्योंकि ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करोगे तो ममल भाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है कि यदि अपन अज्ञानता को देखेंगे, अज्ञानता की ओर दृष्टि देंगे तो अज्ञानता नहीं छूटेगी। अरे अपन ये देखते ना भैया कि हम ही कर रहे हैं, हम ही धर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही बिगाड़ रहे हैं। यदि अपन पर पर्याय में कोई भी मान्यता रखेंगे किसी भी प्रकार की, कोई भी अपन अपनी धारणा बना लेंगे भैया ये सही है ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए था ऐसा क्यों नहीं हुआ, यदि अपन पर पर्याय में कुछ भी मान्यता बनाएंगे, अच्छा बुरा कुछ भी मानेंगे, कुछ भी अच्छा मानो या बुरा मानो, पर पर्याय में अपन किसी भी प्रकार की मान्यता बनाएंगे तो भैया उन मान्यताओं से अपन अज्ञान भाव से अपन सुखी दुखी होंगे भाई, अपने कोई चिंता आकुलता होगी। तो हजार कारण स्वामी ने सीधा सिद्धांत कहा अन्यानाम नवदृष्टा, पर मैं कुछ मान ही मत, पर को स्वीकार ही मत करो भैया। क्यों? क्योंकि पर अपनी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, पर पर्याय प्रणमन अपनी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। मैं स्वचेतन में आत्मा हूं और पर पदार्थ मुझसे स्वयं ही भिन्न है, स्वयं ही भिन्न है मुझसे। भैया ऐसे स्वस्वभाव को देखो ना, क्या देखे स्वस्वभाव में ज्ञान सहारे, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो ना, ज्ञान सहारे अनमोय, ज्ञान स्वभाव की अनमोलना अर्थात ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करेंगे तो क्या होगा भैया मंगलम चा ममल भाव कर, अपने आप ही कर्म मल से रहित निर्विकार सत्ता उत्पन्न हो जाएंगे। देखो आज अपने को अज्ञान को मिटाने के लिए, यदि राग द्वेष को मिटाने के लिए, यदि मोह माया को मिटाने के लिए यदि कोई उपाय है ना, तो वो उपाय ये है कि बाहर में जो अज्ञान परिणाम है उनकी मान्यता छोड़। जब तक अपन इन अज्ञान तक कब तक नष्ट नहीं होगी भैया, अज्ञान तो कब तक नष्ट नहीं होगी, जब तक अपन पर पदार्थों में पर्याय भाव में कुछ भी मानते रहेंगे ना तब तक अज्ञानता नष्ट नहीं, कुछ भी मानोगे आप तो अज्ञानता नष्ट नहीं। क्यों भैया कुछ भी मानना अज्ञानता क्यों होगी? अच्छा बताओ पर भाव में पर पर्याय में राग देश में कुछ भी मानना अज्ञानता क्यों? कुछ भी मानना अज्ञानता क्यों है? राग देश में मोह में कर्तृत्व में भोक्तृत्व में कुछ भी मान्यता करना अज्ञानता क्यों? कुछ भी मानोगे तो अज्ञानता क्यों कहलाएगी? हाँ और बहुत अच्छे। और देखो इस बात को अपने समझना पड़ेगा कि पर में कुछ भी मानेंगे तो अज्ञान क्यों कहलाएगा? बताओ जो से कोई बता रहा था कि पर पर्याय में अपन कुछ भी मानेंगे तो अज्ञानता क्यों है? अज्ञानता क्यों कहलाएगा? सीधी बात है कि अपने निस्वभाव को छोड़ के, अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ के जितना भी परिणमन है, जितना ही परिणमन है उसमें कुछ भी मान्यता बनाना, सुख की दुख की अच्छे की बुरे की, ये पर पदार्थ है ना पर पर्याय है ना, ये भ्रांति मात्र है, ये कपोल कल्पना मात्र है, कर्म का उदय मात्र है। यहाँ कुछ भी मानोगे तो अज्ञानता का पोष, कुछ भी रंच मात्र भी मानता करोगे तो अज्ञान के खाते में जाएगी, खाते में अज्ञान के खाते में ही जाएगी भैया। क्यों जाएगी? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना संसार, राग देश मोह कर्ता भोक्ता पुत्र परिवार माता पिता धन दौलत जो भी आपको दिख रहा है वो मात मिथ्या मानता के कारण है, मात कर्म दे के कारण है, महा सुख दुख सब कर्म दे के कारण है। तो कह लेंगे अरे आपने यहाँ कुछ भी माना
पर यार तुझे ना भाई अभी ऐसे भाव चल रहे हैं, अभी ऐसे भाव चल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे आपने कुछ भी मान्यता करी पर पर्याय, थोड़ा सा भी पर पर्याय की ओर देखा, कोई सी मान्यता बनाई तो फिर वो पर्याय आपको पकड़ लेगी, फिर वो सल चिंता आपको पकड़ लेगी, फिर वो आपको जकड़ लेगी। उस पर पर्याय ने आपको पकड़ा, उस पर पर्याय ने आपको जकड़ा, तो फिर ये आप फंस जाओगे, आप मान्यता में लग जाओ, आप मन की मान्यता में आप धारणा में लग जाओगे। धारणा में लग जाओगे आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यान को देखोगे तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। वही वही कथा चल रही है, गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि अज्ञानम नौ लेटम, देखने ही नहीं है क्या हमका भैया, फिर क्या देखना गुरु महाराज, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, निरंतर ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय रहना, निरंतर एक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है उसका आश्रय बनाकर रखना है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव का आश्रय बनाकर रखेंगे तो ममलम ममल भाव को उपलब्धि हो जाएगी, ममल भाव प्रकट हो जाएगा। देखो कितना सटीक कहते हैं ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान अंतरम न दिष्टम, यदि ज्ञान के अंतराय को देखोगे, यदि देखे अपने यदि अपने कभी हम परपर्याय में कुछ भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एक थोड़ा बहुत हम परपर्याय को थोड़ा बहुत तो स्वीकार कर ले, भैया राग चल रहा है, मोह चल रहा है, कसाई चल रही है, कहले नहीं बिल्कुल थोड़ा ही मत करना, ज्ञान अंतरम न दिष्टम, थोड़ा सा भी परपर्याय में कोई मानता मत बनाना, गुरु थोड़ी बहुत बना ले तो पहले सुनो पर पड़ जाओ दृष्टि अंतरम सहसा, एक थोड़ी सी भी मान्यता बनाओगे, थोड़ी सी पकड़ बनाओगे, थोड़ी सी देर के लिए इस पर्याय को शरीर भाव को कर्म पर्याय को शुभ पर्याय को अशुभ पर्याय को एक थोड़ी सी देर के लिए भी देखोगे, एक समय के लिए भी देखोगे, उतने समय के लिए विज्ञान धन स्वभाव पर अंतर आया जाएगा। इतना सूक्ष्म जिन शासन, इतना सूक्ष्म है भगवान की वाणी और इतना सूक्ष्म अनुभव कमार आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं भैया, क्या स्पष्ट कहते हैं भैया कि देखो भैया ज्ञानंतरम नव रिक्तम, देखना मत तुम पर पर्याय को देखना मत, गुरु देख लेंगे तो क्या चले जाएगा, देखो ये तुम पर पर्याय कुछ भी मानोगे ना, ये थोड़ा सा भी मान्यता मनाओगे तो क्या तुम उस पर्याय से पकड़ा जाओगे, मान लो अच्छा सुख को अशुभ मानोगे तो भी पकड़ा जाओगे, सुख को अच्छा सुख को अच्छा मानोगे तो भी पकड़ा जाओगे, बुरा मानोगे तो भी पकड़ा जाओगे। सीधी बात है, एकदम पुण्य पाप की कोई भी क्रिया को कोई भी पर्याय को जरा भी महत्व दोगे थोड़ी भी मान्यता दोगे तो तुम वहां फंस जाओगे, पकड़ा जाएगा तुम्हारा ज्ञान, और अपना ज्ञान और पकड़ाना नहीं चाहिए, पकड़न शक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पकड़न शक्ति मान्यता की है, मान्यता पकड़ती पर पर्याय, जैसे कि अपन सुख दुख अच्छा बुरा ये सब अपनी मान्यता के आधार पर तब तक लग रहा, तो आचार्य तारण स्वामी का स्पष्ट कहना भैया अन्यान नमो दिखाऊ, इस बात को अपन समझ अगली गाथा चलते अपन क्या कहना है उनका, अन्यान नमो दिखाऊ कार्य में बिल्कुल मान्यता मत रखना, चाहे अच्छी पर्याय चल रहे हो चाहे बुरी पर्याय चल रही हो, अर्थात चाहे पुण्य की ओर की पर्याय चल रही हो चाहे पाप की पर्याय चल रही हो, ये लगे यहाँ कोई मान्यता मत बनाना, जैसे धारा निकल रही है उसे ज्ञायक बन के देखना, जैसी धारा चल रही है उसे साक्षी भाव से देखना, जैसी धारा चल रही है उसे ज्ञाता दुष्टा होकर देखना, पहले क्यों गुरुदेव ज्ञाता और दुष्टा होकर देखना मतलब साक्षी भाव से देखना मतलब, पहले सुनो यदि ज्ञाता दुष्टा होकर नहीं देखा साक्षी भाव से नहीं देखा और तुमने यदि उस धारा को कुछ भी माना अच्छा है बुरा माना तो राग द्वेष शुरू हो जाएगा, अरे उस धारा में थोड़ी सी मान्यता गई कि अच्छी है या बुरी है तो कहने तत्काल राग द्वेष की परिणति उछलने लगेंगी, अच्छा बुरे के परिणाम उछलने लगेंगे, सुख दुख का वेदन होने लगेगा, तो कहना सुख दुख का वेदन होने लगेगा तो चेतनात्मा तू इस संसार में परिभ्रमण करे, अभी बात निकल आई तो अपन एक चर्चा और कर लेते हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय और मोहिनी, इसमें एक वेदनी कर्म भी एक ऐसा कर्म दिया जिसके कारण से जीव को अनुभव हो रहा है साता रसाता का, वेदनी कर्म के कारण जीव साता रसाता का अनुभव कर रहा है, इस सुख दुख के अनुभव के कारण से भैया
चार कर्मों से मैं जीव, जब आचार्यों ने जब कर्मों की व्याख्या की तो चार कर्मों में अंतराय कर्म को नीचे डाल के वेदनी के ऊपर लिया। क्यों लिया वेदनी के ऊपर? ये लगे इस जीव को सुख दुख की जो अनुभूति हुई ना राग देश से, इसके कारण इसे विकार परिणाम होने में निमित्त बन रहा है, आकुलता व्याकुलता कर रहा है। ये वेदनी कर्म के कारण से सुख दुख का वेदन हो रहा है अभी। मान लो भैया अपने को तीव्र गर्मी लग रही है, आकुलता हो रही है, तीव्र ठंड लग रही है, भूख प्यास लग रही है, सुख दुख पीड़ा हो रही है, रोग सुख की पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा के निमित्त से जीव के परिणाम राग द्वेष रूप हो रहे हैं, विकार परिणाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? और विकार परिणाम हो रहा है तो कषायों में तीव्रता हो रही नहीं हो रही? कर्म अशुभ अशुभ या शुभ आश्रय बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तो आचार्य भगवंतों का कहना है और तारा स्वामी का स्पष्ट कहना दिया, अन्यानाम नमस्ते देखना मत तुम भैया, पकड़ मत बनाना अपनी पकड़। तो भैया अपन से यही गलती हो रही कि अपन क्या कर रहे हैं, पर पर्याय पकड़ बना, तथ्य की पकड़ने बना, अपन अवस्थाओं की पकड़ बना रहे हैं, अपन पर पर्याय की पकड़ बना रहे हैं, अपन जो चलने वाली संयोगी पर्याय है उनकी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, दशाओं की पकड़ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की पकड़ अपन मजबूत नहीं कर, अपन पर्यायों का इंतजार करते हैं। भैया जरा सा अपन ने जरा सी तत्व चर्चा सुन ली तो अपन ऐसा सोचने लगते हैं अब मेरे आत्मा लिखने लगी, जरा सा अपन ने थोड़ा बहुत भैया जाप करने बैठे तो पहले अपेक्षा लेके बैठ जाते हैं, भैया आंख बंद कर ली और भैया खसका रहे हैं जैसे कि ओम नमः सिद्धम बोल रहा है, पहले सिद्ध सभा सामने आ जाए। भैया पर्यायों को पकड़ना चाह रहा जी, स्वभाव को नहीं। जब बाहर में भी अनाधिकाल से पर्याय पकड़ा रहा भैया, भैया देखो राग भाव चल रहे हैं, द्वेष भाव चल रहे हैं, मोह भाव चल रहे हैं, कर्तव्य भाव चल रहे हैं, अनाधिकाल से इन पर्यायों पे पकड़ा है उसको, इनकी पकड़ बनाएगा। तो आचार्य तारण स्वामी कह दिया अज्ञानम नो डिट्ठम, तो क्या करें भैया अज्ञान को नहीं देखे तो ये एक काम करो मंत्र जप करने लगो। क्या करना? आत्मा को देखना है, आत्मा को देखो। आत्मा को कैसे देखो? सम्यक दर्शनी पर्याय को देखो, सम्यक ज्ञान की पर्याय को देखो, सम्यक चार की पर्याय को देखो, ये आनंद की पर्याय आ जाए, सुख की पर्याय आ जाए, कुछ तो आ जाए। आगमन करता है तो पर्याय की कामना लेके करता है, परिणमन की कामना लेके करता है। और जबकि आचार्य भगवान कह रहा है अज्ञानता को किसी प्रकार से नहीं देखना, पर्याय को चाहना भी अज्ञान के कर, पर पर्याय में कुछ भी चाहना होना अज्ञानता का है। तो कहने लगे गुरुमहाराज पर पर्याय में कुछ भी नहीं चाहे तो, पर पर्याय में कुछ भी नहीं माने तो क्या करें? कहने लगे सुनो ज्ञान स्वभाव है ना, अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव ना करो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो क्या कहने लगे? मंगल भाव की प्रकटता हो जाए। गुरु महाराज और कोई उपाय नहीं क्या? कहने सुनो ज्ञान अंतरम न टिकता, ज्ञान के अंतराय को मत देखे, उपाय नहीं है। कहले पर पर्याय में थोड़ा सा भी कुछ मान्यता मत बनाना, कि राग की पर्याय में यदि कुछ मान्यता बना लोगे, द्वेष की पर्याय में यदि कुछ मान्यता बना लोगे, थोड़ी सी मान्यता मत बनाना। ज्ञान अंतरम न टिकता, इन्हें क्या हुआ थोड़ी सी मानता बनाने से? इन्हें पर पर्याय दृष्टि अंतरम सहता, थोड़ी सी मानता बना दो तो उस वो ज्ञान पर्याय से लिप्त हो जाएगा, पर्याय में चिपक जाएगा, शरीर भाव पर्याय में चिपक जाएगा, भैया राग देश की पर्याय में चिपक जाएगा, जो भी परिणाम चल रहे होंगे, जो भी परिणाम चल रहा होगा उस पर्याय में ज्ञान चिपक जाएगा। और यदि ज्ञान पर्याय में चिपका तो भगवान आत्मा ज्ञायक भाव या साक्षी भाव या आप भिन्नता का भाव, भेद ज्ञान का भाव, आत्म तक की श्रद्धान का भाव, जो भी आपकी विशुद्धि उत्पन्न हुई है उस पर आवरण हो जाएगा, ज्ञान आवृत हो जाएगा। इसलिए भगवान आत्मा यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो पर पर्याय की पकड़ तोड़ना पड़ेगा, ये सिद्धांत अपने जीवन में रखना पड़ेगा। ज्ञान अंतरम न उड़े, देखना ही नहीं है। अब देखना ही नहीं है का मतलब, अब देखना नहीं है का मतलब आप नहीं समझ पाते तो साधारण शब्दों में कह देते कि मानना नहीं, मान्यता नहीं रखना। ये मान्यता रखोगे तो पकड़ा जाओ। कितनी अद्भुत बात है ना भैया,
ज्ञान सिर्फ पकड़ाता है मान्यता से। ज्ञान को यदि आप पकड़ सकते हो, यदि ज्ञान को आपको पर पर्याय में पकड़ाना है ना, जैसे ज्ञान तो शुद्धबद्ध है, आप मिथ्या मानता कर लो ज्ञान पकड़ा जाएगा, ज्ञान उस पर्याय में लिप्त हो जाएगा, ज्ञान उस व्याकरण में लिप्त हो जाएगा। और भैया यदि मिथ्या मानता हटा दो, सम्यक धारणा कर लो, गीता का चतुष्टय स्वभाव स्वीकार कर लो, तो वो ही तीन लोग तीन काल का परिणाम सामने से निकल जाएगा और ज्ञान निर्लिप्त रहेगा। गुरुदेव यही तो बता रहे हैं, वो इसी बात में तो दृढ़ कर रहे हैं। यदि जीव को यदि पहले से स्वभाव से स्वीकारता होती है तो गाथा कहां पर लिखते, गाथा इसलिए तो लिख रहे हैं, ये इसलिए तो चेता रहे हैं कि इसलिए तो सावधान कर रहे हैं कि सुनो सब जान रहा है सब समझ रहा, अब तो अज्ञानम नो डिस्टर्ब, अभ्यास तो करो, ज्ञानता में अपन कुछ भी ना मान, अपन तो तुरंत भैया थोड़े से ही प्रणाम उसे नीचे हुए और अपन अपनी नाना प्रकार की मानता हूँ प्रकट करने लगते हैं, इसने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया ऐसा होना था, अपन पहले तो शुरू हो जाते हैं बड़बड़ करना, अंतर से अपना मन पहले तो बड़बड़ करने लगता है, अपन पहले उस पर्याय के साथ तो हो जाते हैं, अपन मानताओं को पहले तो पोषण करने लगते हैं, अपन विचार कहाँ करते कि भैया पर पर्याय में कुछ मान नहीं है ज्ञान है, ये निर्णय कहाँ करते हैं, अपने सामने से पर्याय आई, परिणमन की धारा आई, कर्म से संयोग आया, शरीर या भाव परिणमन आया, तो अपन ने क्या करा भैया, तुरंत तो अपन महा कुछ ना कुछ मान के कुछ ना कुछ समझ के कुछ ना कुछ विचार करके अपन तत्काल वहां जुड़ गए। अपने को ये बोध कहाँ आता कि आचार्य भगवंतों की वाणी में आया है, सर्व भगवान के उपदेश में आया है कि पर पर्याय में कुछ भी मानोगे तो अज्ञान अज्ञान है, पर पर्याय में कुछ भी देखोगे तो अज्ञान है, ये बात अपने को स्मरण में कहा, अपन तो सर्वत्र विस्मरण करके और उन पर पर्याय में एकमुख हो जाते हैं। तो भैया कहाँ जाए, कहने भगवान आत्मा भगवान की वाणी सुन रहे हो, इष्ट स्वभाव की बात सुन रहे हो, ज्ञान स्वभाव में निकल क्यों नहीं जाते, इसकी मान्यता क्यों नहीं रखते कि मैं ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, इसका आश्रय क्यों नहीं मनाते कि मैं ज्ञायक मात्र वितराग तत्व हूँ, जानने देखने वाला वितराग पदार्थ हूँ, यदि ज्ञान स्वभाव का ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लोगे तो ममल भाव अर्थात वे परिणाम प्रकट हो जाएगा जो शुद्ध है, ममल भाव उत्पन्न हो जाएगा, अपने खुद विश्वास नहीं है ना, अपन खुद पकड़ते पर पर्याय को, मन पकड़ाता है अपन पकड़ लेते हैं, वही ज्ञान में अंतराय डालते हैं और फिर अपन कहते हैं भैया आनंद नहीं आ रहा, सुख नहीं मिल रहा, भैया शरीर से भिन्नता जानने में नहीं आ रही, भैया मन वचन काय की क्रिया से जुड़ रहा है, अरे भैया जुड़ोगे तो मानोगे पर्याय को जुड़ोगे, नहीं मानोगे तो भुगत, अपन भजन में नहीं पढ़ते मान मान के मरे जा रहे ये मूर्ख प्राणी और लेना देना कुछ भी नहीं है, व्यर्थ बने अज्ञान, अपन खुद ही पढ़ते हैं ना, मान मान के मर रहे हैं, नहीं तो कहीं कुछ है ही नहीं, किसी पर्याय से लेना देना है ही नहीं, किसी परिपर प्रणमन से लेना देना ही नहीं, सिर्फ मान मान के मर रहे हैं, तो अज्ञानी भैया और अज्ञानी मिथ्या मानता निकाल दो बस। जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में तीनों लोग तीनों काल छलक रहे हैं, वैसे सर्व भगवान के वचनों का श्रद्धान करने वाला सम्यक ज्ञानी साधक भी जैसे भगवान के ज्ञान में तीनों लोग तीनों काल समस्त द्रव गुण पर्याय छलक रहे हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञानी भगवान के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला वैसे ही अपने ज्ञान में प्रतीति करता है, इसलिए केवल ज्ञान की नौध है सम्यक ज्ञान। जैसा महा झलक रहा है वैसी प्रतीति है, अगर प्रतीति में अंतर आ जाए तो फिर सम्यक ज्ञान नहीं कहलाए, जैसा जिन प्रणय थे जैसा भगवान की वाणी में आया है, जैसी भगवान की वाणी में जैसी चर अचर वस्तु की व्यवस्था द्रव्यों का स्वरूप द्रव गुण पर्याय की जैसी व्यवस्था आई है वैसी प्रतीति यहाँ है भैया, ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की सरल सी परिभाषा है, जिन भगवान के ज्ञान में जैसा छलक रहा है यदि वैसी प्रतीति तुझे है तो सम्यक ज्ञान, सीधी बात है, इसलिए तो ज्ञानी साधक निर्भय होता है, इसलिए तो ज्ञानी साधक निर्द्वंद होता है, इसलिए तो सम्यक ज्ञानी साधक को कोई भय नहीं होते, उसे भय कहां से होंगे, तीनों लोगों की व्यवस्था भगवान के ज्ञान में जैसी आई है वैसी उसकी प्रतीति में है, अब उसे कहां पढ़ा होगा, ऐसे कौन सा भय होगा,
वो क्या करना चाहेगा? सारा जगत तो उसे ज्ञान लग रहा, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। और देखो गुरु महाराज की बात तो अद्भुत है, अपा अप स्वभाव, आत्मा कैसे कौन से स्वभाव वाला है, कहां से प्रकट करोगे आत्मा, कहां से लेके आओगे आत्मा को, कौन बनाएगा आत्मा को, कौन प्रकट करेगा आत्मा की सत्ता को। यहाँ कोई के परावलंबन का काम ही नहीं है, यहाँ परमात्मा या जिनेन्द्र भगवान के अवलंबन का भी काम नहीं है। तो कहने किसका काम है? अप्पा अप स्वभाव, वो तो आत्मा स्वयं आत्म स्वभाव वाला है, यहाँ और किसी दूसरे की बात ही नहीं है। आत्मा को प्रकट करने के लिए, आत्म अनुभव को प्रकट करने के लिए स्वयं आत्मा ही चाहिए बस, और वो आत्मा स्वयं आत्म स्वभाव वाला, और कोई की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहने गुरु महाराज क्या करें? कहने सुनो, अप्पा आत्मा शुद्धत्वा, कैसा दिया शुद्धात्मा, गुरुवाच कर कर्मल, इनको क्या होगा आपने के लिए आत्मा शुद्धात्मा। कहले सुनो विमल, कैसा भैया कर्मल से चिंता ही खत्म करो ना भैया, तुम पर पर्याय में कुछ भी मानोगे, पर पर्याय में उलझोगे, ज्ञान में अंतरण डालोगे तो भैया कर्म ही कर्म दिखाई देंगे, संयोगी पर्याय पर्याय दिखाई देंगी, पर पर्याय में कुछ भी मानता बनाओगे तो ज्ञान स्वभाव में अंतराय पड़ेगा। और यदि पर को नहीं देखोगे, पर को कुछ नहीं मानोगे, तो तारण स्वामी का कहना है कि आत्मा स्वयं आत्म स्वभाव वाला है, इसे आत्मा को आत्म स्वभाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। कहले गुरुवा क्या करें? कहले रुको, अप्पा शुद्धप्पा, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। कहले कर्म, कहले विमल, कर्मल से रहे थे, यहां तक उन्होंने कह दिया, फिर कह दिया परमप्पा, और जो कर्मल से रहित आत्मा है वो ही परमात्मा। पहले कहा क्या? कहा अप्पा अप स्वभाव, आत्मा आत्म स्वभाव वाला है, आत्मा में ही है। पहले कैसा है? पहले अप्पा शुद्धप्पा, वो आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। पहले कर्म, पहले विमल, कर्मल रहित है भैया, कर्मल से उसका कोई संबंध नहीं है, कर्मल सब पर पदार्थ पर वस्तु है, वो आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है। अकेले जो विमल है ना, जहाँ कोई कर्मल नहीं है, परमात्मा वही परमात्मा। अब तुम बताओ भैया, ये तुम्हें तुम्हारा शुद्ध आत्मा इष्ट है, ये तुम अपने आप को शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार करते हो, तो तुम्हें कोई कर्मल नहीं है, और कर्मल से रहे जो सत्ता है वही परमात्मा। एक दृष्टि स्वभाव पे है, तो दृष्टि पर पर्याय में है, अज्ञान भाव पे है, अज्ञान भाव में कोई मानता है तो आपका ज्ञान पर पर्याय में छिपका हुआ है, और पर पर्याय में जो ज्ञान छिपका हुआ है उसको इस सिद्धांत सिद्ध नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं? परम स्वरूप रूपम, किस रूप वाला है? राग द्वेष में जो स्वरूप दिख रहा है, कर्तव्य भोक्तृत्व में जो स्वरूप दिख रहा है, कषाय भोग में जो स्वरूप दिख रहा है, पहले ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला है, परम स्वरूप रूपक, उसका स्वरूप ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वरूप वाला है। अरिहंत सिद्ध जैसा उसका स्वभाव, ज्ञाता ज्ञान में जानन हार देखन हार, जिनेन्द्रों जैसा उसका स्वरूप है, सिद्ध परमात्मा जैसा स्वरूप है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला है। क्या उसका श्रेष्ठ स्वभाव? इन्हें सुनो, श्रेष्ठ स्वभाव जानना है ना, तो रूपम विक्तम, जो रूप दिख रहा है ना उद्गल रूप, विक्तम इनसे रहित, शरीर मकान दुकान राग देश कसाय कर्म कर्म, पहले के रूपम विक्तम, जितने भी पुद्गल रूप दिख रहा है ना, जितने भी पुद्गल पदार्थ रूप आवरण दिख रहा है ना, पहले रूपम विक्तम, इन सारे रूपों से अलग रूपम रूपम विक्तम च मम ज्ञान से, वो आत्मा मम ज्ञान स्वभावी है। आज स्वीकार कर लो कि इन पुद्गल रूपों से अतीत मैं आत्मा मम ज्ञान स्वभावी हूँ, भैया मोक्ष मार्ग की राह खुल जाएगी। आज अज्ञानता की पकड़ छोड़ दो, पर पर्याय की पकड़ छोड़ दो, मिथ्यात की मानता को मिटाओ, तो आज मुक्ति मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। और भैया अनंत काल तक ना मिटाओ मिथ्या मानताओं को, अनंत काल तक पर पदार्थों को देखते रहो, तो अनंत काल तक संसार में रहो। आज मानता मिटाओ और आज मुक्त हो जाओ, आज दृष्टि पलटो और आज अपना काम बनाओ भैया। भैया अनंत काल तक संसार में देखते रहो, अनंत काल तक संसार में उलझे रहो, अनंत काल तक संसार में भटकते रहो। किसने म्यूट खोला? अपना काम बनाना है, झटपट काम बनाना है,
देखो वो गुरु महाराज की कितनी सरल गाथा है, विमलम च विमल हुआ। एक बार बता दूंगा, विमलम, विमलम का क्या किया, कर्मलों से रहे। विमलम च विमल रूपम, क्या कर्म मल से रहे, विमल रूपम, वो जो कर्म मल से बिल्कुल रहित है वो स्वरूप चाहिए क्या? द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, घातीय कर्म, अघातीय कर्म, इन सब कर्म मल से रहित रूप को जानते हो क्या, देखते हो क्या, पहचानते हो क्या? अरे हाँ तो बता, आत्मा को किस रूप जानते हो भैया? राग करने वाला, नौ कर्म से संयुक्त, भाव कर्म से संयुक्त, द्रव कर्म से संयुक्त, घातीय कर्म से संयुक्त, अघातीय कर्म से संयुक्त, आत्मा को कौन से रूप वाला मानते? जो पुद्गल रूप दिख रहा है इस रूप वाला मानते हो क्या? इस रूप वाला आत्मा को देखते हो कि शरीर ही में हूँ, सहयोगी में हूँ, घर ही में हूँ, पुत्री में हूँ, राग करने वाला ही में हूँ, देश करने वाला ही में हूँ, कर्ता ही में हूँ, भोक्ता ही में हूँ, ये सारा सहयोग आवरण रूप, इस रूप ही आत्मा को मानते हो तो भैया सुन लो भैया मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो कहने लगे कैसा मानना है? अरे विमलम चा विमल रूपम, जो कर्म मल से रहित है विमल रूपम, इस स्वरूप को जानते हो क्या? नहीं जानते तो कहने लगे संसार में, अरे जानते हो तो आगे की बात करें। क्या है तारण स्वामी की जो कथन शैली है वो पूरी आत्म साधना पे घटाने की है, अंतर आत्म साधना पे घटाने की है, क्योंकि ये परिणतियां हैं। जिस गायक, जिस जीव को, जिस भव्य आत्मा को गायक स्वभाव स्वीकार होता है, जिस भव्य प्राणी को ज्ञान स्वभाव स्वीकार होता है, उस भव्य के अंतर में, उस भव्य आत्मा के अंतर में बेसिक परिणाम, बेसिक विशुद्धता प्रकट होती है, बेसिक परिणति प्रकट होती है। भैया जैसी परिणति उस भव्य साधक के अंतर में या श्रावक के अंतर में प्रकट होती है, वैसा उसका मिलान होता है भगवान की वाणी से। आचार्य भगवान के जो सिद्धांत कह रहे हैं, आचार्य भगवान जिन परिणामों को, जिन परिणतियों को कह रहे हैं, उन परिणतियों से मिलान होता है, अंतःकरण का मिलान होता है। वो मिलाता है अपने आप को कि वास्तव में इतनी जिनवाणी सुनने के बाद भी, इतने भगवान के वचन सुनने के बाद भी, क्या मुझे आज भी विमलम च विमल रूपम, क्या कर्म मल से रहित, आठ कर्मों से रहित, क्या अपने को आज भी अपना विमल रूप स्वीकार होता है, हृदय में जानने में आता है कि वास्तव में वो विमल जो आठ कर्म रह सकता है वही मेरा स्वभाव, क्या तभी से जानने में आता है? दिन रात हम खुद जिनवाणी बोल रहे हैं, दिन रात आप श्रवण कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, उसके बाद आचार्य करण स्वामी कहते हैं अंतःकरण मिलान तो करो पहले। तुम बहुत सुना रहे हो भैया, दुनिया को सुना रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि विमलम च विमल रूपम, सुनाते सुनाते, समझाते समझाते, बताते बताते तुम्हारा काम बनाया नहीं बना। कहने कैसा काम बनाया नहीं बना? कहने आठ कर्म से रहे विमल रूपम, क्या वो स्वभाव तुम्हें अंतर में जानने में आ रहा, क्या तुम्हें अंतर में देखने में आ रहा, उसकी परिणति प्रकट हो रही है ना भैया? देखो यदि वो जानने में नहीं आ रहा, वो देखने में नहीं आ रहा, वो आस्था में नहीं आ रहा, वो विश्वास में नहीं आ रहा कि हाँ वो अष्टकर्म रहित वो विमल में ज्ञायक सत्य आत्मा हूं, यदि ऐसा विमल ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, सच्चा श्रद्धान प्रकट नहीं हो रहा, तो भगवान आत्मा कर क्या रहा है बैठ के? ये दूसरों को सुनाने के लिए है, जिनवाणी याद करने के लिए है, रटने के लिए है, इन्हें रटने के लिए थोड़ी ना है, दूसरे को सुनाने के लिए थोड़ी ना है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज आप? वो कह रहे हैं यदि आप भगवान के वचन कह रहे हो पहले ये बताओ आपको स्वयं अपने विमल ज्ञान में, अपने सम्यक ज्ञान में सत्य स्वभाव की प्रतीति आ रही है नहीं आ रही? आपको स्वयं उसका अनुभव आ रहा है नहीं आ रहा? आपको स्वयं उसकी परिणति प्रकट हो रही नहीं हो रही? कई कह रहा है, बोल ही बोल रहा है, काम नहीं बनेगा भैया। गुरु महाराज क्या करें? ज्ञान विज्ञान भैया, साधारण भाषा में भेद ज्ञान प्रकट करो। भगवत करने वाला अलग है और वो ज्ञान में विमल सत्ता, वो निर्विकार सत्ता, वो अलग है।
ज्ञान विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान में हो जाओ भैया। यहाँ ज्ञान से अपने विज्ञान घन स्वभाव को देखो, अनंत चतुष्टय में ज्ञायक स्वभाव को देखो भैया, केवल ज्ञान में सत्ता को देखो। ज्ञान से विज्ञान में हो जा, अज्ञान में मत हो। ज्ञान से विज्ञान में हो जाओ, अज्ञान में मत रहो। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान करो भैया। ऐसा ज्ञान से विज्ञान करें भैया, कह रहे ज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान से कर। ज्ञान से ऐसा आत्मा का विज्ञान प्रकट करो, ज्ञान से ऐसा तत्व का विज्ञान प्रकट करो कि उसमें ज्ञान सहकार, उसमें अपने ज्ञान में स्वभाव का सहकार, सम्यक ज्ञान का सहकार। तब तो मोक्ष मार्ग हुई है। देखो भैया, अज्ञानी जीव भी संसार में रह रहा है और अपन भी संसार में रह रहा है। अब अपने और अज्ञानी के परिणामों में, परिणति में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। संसारी जीव के और अपन तत्व की रुचि रख रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो संसारी जीव की परिणति में और अपनी परिणति में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? यदि अपनी परिणति और संसारी जीव की परिणति में अंतर होना चाहिए तो क्या अंतर देखोगे? यही तो अंतर देखोगे ना कि संसारी जीव आठ कर्म से संयुक्त अपने आप को मान रहा है, हर पदार्थों में लिप्त अपने आप को मान रहा है, और ज्ञानी जीव उन अष्ट कर्म से मुक्त विमल रूप वाला अपने आप को ज्ञान रूप वाला मान रहा है। ये देखो ना कहना भैया, ये अंतर देखोगे ना कि अज्ञानी जीव मन वचन काय में एक में होके अज्ञान परिणाम में हो रहा है। ज्ञानी का कर रहा भैया ज्ञान विज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान विज्ञान में होके, विज्ञान घन स्वभाव में होके ज्ञान सहकार अपने सम्य ज्ञान में स्वरूप का सहकार कर रहा है। इतना ही तो अंतर है बस। एक अज्ञानी में और एक ज्ञानी में, एक मोक्ष मार्गी मोक्षु में और एक संसारी में, इतना ही तो अंतर है कि संसारी कर्म में ही उलझा हुआ है, संयोगों की चिंता में ही उलझा हुआ है, पर पदार्थों के सहकार में उलझा हुआ है। भैया ज्ञानी कह नहीं रहा, बता नहीं रहा, अंतर ही अंतर में वो इन सब से भिन्न अपने विज्ञान धन स्वभाव से अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार करता है। भैया एक ज्ञानी घर में रह के मोक्ष मार्ग में चल रहा है और एक ज्ञानी घर में रह के संसार मार्ग में चल रहा, चल तो दोनों ही रहा, रोका कोई भी नहीं है, क्योंकि त्रिकालिक क्षेत्र द्रव्यों का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा, थमने की कोई बात ही नहीं है। बस कौन कहां चल रहा है इतनी सी बात। देखो गुरुदेव आगे कह रहे हैं, जिन उत्तम जिन मेहनत, तो दो दो बात है, एक कारिका में दो बात, जिन उत्तम जिनेन भगवान ने कहा, जिन मेहनत जिनेन भगवान की वाणी में आया भैया, एक ही बात को दो बार कह रहे हैं भाई। कि देखो गुरु महाशीष से ली भैया, विमलम चा विमल रूपम ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम, कहने जिनता जिनेन भगवान ने कहा है, जिनवेनाम क्या तुमने जिन भगवान के वचन स्वीकार हो गए? पहले का जिनुक्तम कि जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिनवेनाम क्या तुमने उन जिन वचनों को स्वीकार कर लिया? क्या स्वीकार कर लिया गुरु महाराज कि जिन सहकारे आत्मा का सहकार करने से मुक्ति गमनम चा जन्म मरण की संतति छूट जाती है और मुक्ति में गमन होता है। किसने कहा? यानी जिन उत्तम, यानी स्वीकार क्या करा, यानी जिन वैनम, ऐसे जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे तो ये जिन सहकार आत्मा का सहकार करने से मुक्ति गमनम। देखो भैया चर्चा करने में बहुत सरल है मोक्ष मार्ग, आचरण करने में भी बहुत सरल है, लेकिन यदि रुचि अपने आत्म तत्व की हो तो, और नहीं तो राय का पहाड़ है, नहीं तो राय का पहाड़ है। क्योंकि भैया स्वभाव से विपरीत प्रणमन अनंत कष्टकारी है और आत्म प्रणमित ही नहीं हो सकता, उसके बाद भी मैं राग देश रूप प्रणमन कर रहा हूँ, इतनी महानता से पूरा संसार है और ये सबसे कठिन है। लेकिन ये संसार का कठिन काल, कठिन कार्य अनादि काल से बहुत सरलता से हो रहा है,
जी तो बहुत सरल लग रहा है लेकिन पता नहीं है भैया कितना दुर्गम है काम। तो भैया आत्मा को स्वीकार करना कितना सरल है, बैठे बैठे यही बैठे बैठे स्वीकार कर लो, यही बैठे बैठे अपने आत्मा का निर्णय कर लो, यही बैठे बैठे अपनी अंतर शक्ति को स्वीकार कर लो, अपने आप ही मुक्ति का मार्ग बन जाए। लेकिन फिर भी जीव को आत्मा स्वीकार करना कठिन लग रहा है। आत्म शक्ति को स्वीकार करना कठिन लग रहा है और पर पदार्थ में रमण करना समझना। जबकि एक कठिन कार्य करके कितने पीड़ा, अपन तो खुद बताओ दिन रात कितने वेदना का सहन करो, जिसमें विकल्प तो एक समय के लिए चित्त को छोड़ देने। अरे हम अपनी खुद की बात करें ना, सम्यक चिंतन, चर्चा, लेखन, अपना अध्ययन समाज से भी हटे, थोड़ा भी यहाँ से वहां गए तो विकल्प एक समय के लिए वो कष्टकारी विकल्प छोड़ते नहीं। अरे अपने अपने में लगे हो तो ठीक, थोड़े भी इधर उधर तो नहीं छोड़ते। तो अपन दिन रात जान रहे कि कितनी पीड़ा है, कितनी आतुलता है, लेकिन इसके बाद ही भैया घड़ी दो घड़ी के लिए, पल दो पल के लिए, भैया अपने लिए समय निकाल के, तत्व चिंतन के लिए समय निकाल के, अरे निमिष मात्र थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा का अनुभव करने का टाइम नहीं निकाल रहा भैया, थोड़ा सा तो मार मनाओ। अरे आधे घंटे तो सुबह बैठो, एक घंटे तो बैठो, तत्व चिंतन तो करो, भगवान आत्मा भगवान की वाणी तो सुनो, अपना थोड़ा सा चिंतन का मार्ग तो बना, थोड़ा सा संसार से निवृत्ति लेके भैया अपने आत्मा में अनुरक्ति करने के लिए, अरे निमिष मात्र के लिए आत्मा का अनुभव करने के लिए थोड़ा सा समय निकालो भैया। अरे ये जीवन में अपने लिए समय नहीं निकला तो फिर क्या मतलब जीवन, खाए पिए मर गए, क्या पाया, अच्छा बताओ क्या साथ ले जाएंगे, कुछ नहीं जाना। बचपन से कह रहे हो भैया एक कोड़ी साथ नहीं जाएगी, लेकिन व्यवस्था कर रहा हो जन्म जन्मांतर। आत्मा बहुत पीड़ा होगी आत्मा को, अरे जीवात्मा तू ही आत्मा है, उस पीड़ा को भी तू ही भोगेगा, उस पीड़ा को भोगने कोई दूसरा आने वाला। इन सब बातों का यदि अपन सम्यक तरीके से विचार करें, इन सब बातों को यदि अपन सम्यक तरीके से बार बार अपने आप में उतारें, भैया अपने को खुद बोध आता है, अपने को खुद आत्मचिंतन करने से अपने खुद लगता है भैया अपने को अपनी दिशा सुधारनी चाहिए, अपने को अपनी दशा सुधारनी चाहिए। जीव को अपनी दशा सुधारना चाहिए भैया, यदि जीव अपनी दशा नहीं सुधारेगा तो अनंत काल तक दुखी रहे। और बता मनुष्य भाव के अलावा, जिनवाणी के अलावा, सर्वज्ञ की वाणी के अलावा और कौन बताएगा इस सब भाव। देखो गुरुदेव को देखो, तारण स्वामी तो गीत रागता में झूल रहा है ना, उस समय क्या कह रहा है, जिन उपतान जिन रहे, कमल भाव में झूल रहा है, गीत रागता का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये जो कुछ भी है जिन भगवान ने कहा है, और जो जिन भगवान ने कहा है जिन वैनम वो ही मैंने स्वीकार किया है। और जब परमात्मा की वाणी को स्वीकार किया है तो पता लगा कि जिन सहकार है मुक्ति गंधन चा, आत्मा के सहकार के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, जब तथ्य का सहकार करेगा तो मुक्ति में रमन होगा। आगे आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो भैया सट का ही जीवन है, छह काय के जीव है, यहाँ जिन आलम एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय संगी छह काय के जीवों को स्वीकार करता है। मेरे समान प्राण अग्नि में भी है, वायु में भी है, पृथ्वी काय में भी है भैया, जल काय में भी है, अग्नि काय में भी है, मेरे समान सब जीव एक गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, षटकाई जीवन, चारों तरफ छह काय के जीव विद्यमान है। तो गुरु महाराज क्या करें, यानी कृपा सहकार विमल भाव, इनसे अनुकंपा करो भैया, करो इनकी विराधना मत करो, इन्हें अचेतन मानो मत। यदि तुमने इन्हें अचेतन मान लिया, यदि तुमने इन्हें अचेतन मान के विराधना कर ली तो तुम इनकी चेतना की विराधना करोगे भगवान। अरे भैया तुम जीवत्व की प्रार्थना करोगे, चेतना की प्रार्थना करोगे, चेतन की प्रार्थना का फल अनंत काल तक भोगोगे, अनंत अनंत काल तक भोगोगे। इसलिए क्या करना भैया,
सत्काई जीव ना, छह काय के जीव है, अपने जैसे सुखदुख का वेदन करते हैं, अपने जैसा ही इनका स्वरूप है, तो क्या करें गुरुदेव, कृपा से कहा याद रखना, अंतर हृदय से इन पे दया का अनुकंपा का परिणाम रखना, बाहर से जितना हो सके इनकी सुरक्षा करना भैया, अंतर में तो दया परिणाम अनुकंपा रखना ही, हृदय में तो अनुकंपा रखना ही, बाहर से हो सके जितना हो सके छना हुआ पानी पी के, रात्रि भोजन का त्याग करके, छह काय की चीज मतलब अग्नि का है, पृथ्वी का है, इन सब वनस्पति का है, जल का है, इनका यथार्थ में सम्यक रीति से उपयोग करके जितनी आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जीव एक इंद्री शरीर आहार पे जिंदा है। अपन जो कलेवर ले रहे हैं ना भैया, तो एक इंद्री वनस्पति का ही आहार है, लेकिन पासुक करके ले रहे हैं, लेकिन है तो शरीर ही ना, ये तो किसी जीव का ही ना, पानी पी रहा है भैया, एक इंद्रिय जीव का है, अब ये प्रासुक कर लिया आपने 24 घंटे की मर्यादा कर ली, तो उसने जीव मर गया उसमें। वही तो कह रहा उसमें जो देखो भैया, पहली बात तो पांच स्थावर काल में निवोदीय जीव नहीं होते, याद रखना हमेशा, पंच स्थावर काल में कोई से जीव नहीं होते, पंच स्थावर काय शरीर में निवोदीय जीव नहीं है, पंच स्थावर काय में हमेशा त्रस जीवों की उत्पत्ति ही होती है, और वो स्वयं एक जीव है, जल काय स्वयं एक जीव है, तो जब अपन पानी छानते हैं, जब अपन मोटे ढोरे छनने से पानी छानते हैं, तो उसमें कौन से जीव अलग हो जाते हैं, त्रस काय जीव अलग हो, लेकिन जल काय जीव तो उसमें रहता ही है, जब अपन उसे प्रासव करते हैं, जैसे कि उसका कलर चेंज करके मैंने पानी गर्म कर लिया 6 घंटे की मर्यादा या 24 तेज वाल मिली 24 घंटे की मर्यादा, तो उतने समय जो उसमें जीव रहते हैं उतने समय के लिए वो मर जाते हैं, और 24 घंटे तक उसमें उपलब्धि नहीं होती, लेकिन 24 घंटे के बाद तुरंत रस का एक जीवों की और जल का एक जीवन तुरंत उत्पत्ति हो जाती मर्यादा, यही तो विवेक है, ये तो अनुकंपा पड़ा भैया, हमने उन्हें मार दिया, काय का अनुकंपा, अधिक हिंसा को कम करना, अधिक हिंसा से बचना, उसे कम करना, यही तो मर्यादा है, अपने दस काय को छान दिया, वो अपने मर्यादा का पालन तो किया भाई, जीव नहीं, लेकिन जीव नहीं करी तो, हाँ अरे जीव ने नहीं करी तो फिर नहीं, याद रखना, लेकिन जितना हो सके छह काय के जीवों पे अपने को क्या करना है, अनुकंपा, और इन पे अनुकंपा करके इन्हें अपने समान जानना है भैया, लेकिन आज क्या हो रहा है, अपन प्रकृति सुंदर को देखने जा रहा है, कहीं घास पे चल रहा है, कहीं फब्बारों को देख रहा है, कहीं नदियों में नहा रहा है, ये अपन पता नहीं अपने को कि अपन क्या कर रहा है, इन जीवों को अचेतन मान रहे हैं, अपन इन्हें मात्र जड़ मान रहे हैं, और इन्हें जड़ मान के आनंद ले रहे हैं भैया, महा जाना यदि नहीं जाना, ये जाना को कर्म दे है, लेकिन महा जाके इनमें मनोरंजन नहीं करना, हिंसा नंदी रोध ध्यान होगा याद, हाँ याद रखना, यदि इनकी हिंसा में आनंद मानेंगे तो हिंसा नंदी रोध ध्यान होगा, बराबर विवेक रखना, अपना जितना विचार हो रखना, और अंत में पढ़ना प्रणाम करना भैया, और विरक्ति का भाव लाना, यदि मैंने भी ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति करी तो आज ये फपारे हैं, कल मेरा जीव इन्हीं फपारों में होगा, ये सब विचार रखना भगवान आत्मा, यदि सम्यक विचार नहीं हुआ, अनुकंपा का भाव नहीं हुआ, तो कल एक इंद्रिय पर है अपनी है, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु सब अपने समान आत्मा है भैया, किसी की प्रार्थना नहीं करना, यदि अपन इन्हें जीव मात्र मान लेंगे ना, तो अपने जीवन से आल दोष खत्म हो जाएंगे, अपन जिस पृथ्वी पे चलते हैं अपन इसे जीव नहीं मानते ना, तो चेतना की प्रार्थना का दोष लगता है, और पृथ्वी पे पांव रखना है उसे कष्ट हो रहा है, स्थावर काय का जीव है वो, उसे पीड़ा हो रही है, तो सिर्फ उस पर जो उसकी हिंसा हो रही है उस हिंसा का दोष लग रहा है, मतलब जितनी उसे पीड़ा हो रही है उतना दोष लग रहा है, लेकिन अपना उसे जीव ही नहीं मान रहा है, चेतन ही मान रहा है, तो पूरी चेतना की विराधना पूर्ण हिंसा का दोष लग रहा है, विवेक विचार का ध्यान रखना भाई, क्योंकि स्थावर काय का जीव तो वित्रस काय स्थावर काय में क्या अंतर है, स्थावर काय का जीव पीड़ा होने पर आकुलता होने पर अपने स्थान से भाग नहीं सकता,
तरसता है तो जीव क्या भैया अपनी जान बचाने के लिए निकल भी लेगा, जैसे कि आप भैया तरसता है कि जीव को दो इंद्री तीन इंद्री को कष्ट दे रहा तो अपनी जगह बदल लेगा, स्थान चेंज कर ले, लेकिन स्थावर का जीव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ये कर्मों की पीड़ा, बने पेड़ बने पहाड़ बने जमीन बने अग्नि, जितनी पीड़ा हो रही है कर्म से सहन करना पड़ेगा, हिल भी नहीं सकते अपने स्थान से, भाग भी नहीं सकते, अपन तो भाग जाएंगे। एक जगह सोचो, अच्छा एक जगह खड़े होकर पीड़ा सहन करना कितनी वेदना होगी, हिल नहीं सकता इसमें। ऐसे कर्म मान लेता है अज्ञान का, मैं कैसे इन जीवों पे अनुकंपा भाव ना होने से ऐसे कर्म मान लेता है, और फिर उनका कर्म जीवन भर होता है, जन्मों जन्म तक होता है। इसे आचार्य स्वामी कह रहे हैं सटकाई जीवाना, छह काय के जीव हैं, छह कायिक जीव हैं, छह कायिक मतलब शरीर, कायिक जीव के सहित शरीर, काय मतलब शरीर, मतलब जीव नहीं है काय मात्र, जैसे अपन ने अब तक ये गिट्टी निकाल ली अब इसमें जीव नहीं है, अभी जीव रहित हो गए, लेकिन कायिक जीव आत्मा सहित, तो कह रहे हैं इन सट कायिक के जीवों पे कृपा सहका विमल भाव, विमल भाव से कृपा करना, अनुकंपा का भाव रखना, कहले सत्वम जीव स्वभावम कृपा सहे विमल कलिष्ट जीवना। भैया ये जीवों का स्वभाव भैया कलिष्ट होने का है, बेचारे ये तो अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, इच्छा काय के जीव अज्ञानता के कारण, क्या बोलते अज्ञान के कारण, विकार भाव के कारण, अपने स्वभाव को ना जानने के कारण, दुष्ट कर्मों को मानने के कारण ये तो बेचारे कलेश को भोग ही रहे हैं, लेकिन यदि इन्हें कष्ट देने में अपन सहायक बनेंगे, यदि अपन इन्हें कष्ट देके आनंद मानेंगे भैया, इन्हें कष्ट देके यदि अपन खुश होंगे भैया, अपना भी कल यही जीवन समझना, कृपा सहे विमल कलेश जीवाना, ये कलेश हो रहा है भैया, यदि इन्हें कलेश पहुंचाओगे तो तुम्हें भी वही गति भोगनी पड़ेगी, इसलिए कृपा, यदि दुखी हो रहे हैं कलिष्ठ हो रहे हैं तो इनका करुणा करना, सत्य जीव स्वभावम समभावम, भैया इन जीवों को स्वभाव स्वभाव से देखना, समभाव से देखना, ये हमारे समान है जीवात्मा, जिनावन यही सिखाता भैया अहिंसा परम धर्म का अर्थ क्या है, अहिंसा परम धर्म का अर्थ क्या है, जीव का जीवों का करना, ये जीव दया, ये जीव करना, ये भगवंतों की करना, ये जीव प्राणी मात्र को अपने समान जानना, ये सिर्फ जैन धर्म में मिलेगा, सिर्फ जैन धर्म में मिलेगा, जिन शासन या एक इंद्री में भी प्राण मानता है, बाकी तो अचेतन मानते हैं, ऐसे तो आजकल साइंस भी खोज कर चुका है, पेड़ में प्राण सिद्ध कर चुका है, अग्नि की खोज चल रही है, बाकी में सब मानने लगा विज्ञान, विज्ञान तो एक बूंद में कितने जीव मानता है, और जिनागम कितने मानता है, अनंत, एक बूंद में अनंत, अब त्रस की त्रस दो इंद्रिय त्रस जीवों की संख्या भी की जा सकती है, हाँ संख्या कह लो, कहीं जगह अनंत लिख दिया कहीं जगह संख्या लिख दिया वो भी हाँ कह सकते, हाँ इतनी जीव राशि ठसा ठस भरी चारों तरफ, और अपन अपन उसमें संगी पंचेंद्री बना, कभी बहुमान तो करो ये पूरा हाल, अरे ये जो शरीर निबोधी जीव ठसा ठस भरा, और उसमें अपनी अपनी पर्याप्ति देखो भैया, उसमें अपने दस प्राण देखो, अपने कितनी स्वतंत्रता, अपन विचार कर पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं भैया, मन वचन काय की हलन चलन कर पा रहा है, कि देखो तो अपने कितनी स्वतंत्रता, और बाकी जीवों को देखो तो विचार कितनी प्रतंत्रता, कर्मों का चक्र देखो कितना कितना स्वतंत्र चक्र है, जिसने जैसा किया है उसे वैसा प्राप्त हुआ है। अच्छा बताओ आप विकास कैसे मानोगे, आत्मा का विकास कैसे मानोगे, जब आत्मा का पतन क्या है, आत्मा यहां से संगी पंचेंद्रिय से असंगी हो जाए, चार इंद्रिय हो जाए, तीन इंद्रिय हो जाए, दो इंद्रिय हो जाए, एक इंद्रिय हो जाए, ये आत्मा का निरंतर पतन है, आत्मा का विकास कैसे मानोगे आप,
ये धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, विश्वास थोड़ी ना भगवान आत्मा भोग की सामग्री बढ़ गई। ये एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो गया, तीन इंद्रिय हो गया, चार इंद्रिय हो गया, संगी हो गया, पंचेंद्रिय हो गया, मन सहित हो गया, और विशेष मतीश्वर ज्ञान की विशेष श्रमद्धा कर ली, अवधि ज्ञान हो गया, मनाप्रिय ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये आत्मा का विकास का क्रम है, पत्तोत्तर विकास का क्रम। ऊपर उठती हुई आत्मा, विकसित होती हुई आत्मा, यह आत्मा का विकास का क्रम। भैया अपन न जाने कहां लगे, ना कहां उलझे, आत्म विकास करने की जगह न जाने कहां का विकास कर रहे हैं, परिवार का विकास कर रहे हैं, धन का विकास कर रहे हैं, जबकि पता है पुण्य पाप के सब पुद्गल परमाणु हैं, और जैसे होने हैं वैसे परिणमित होंगे। उसके बाद भी अपनी रुचि पर पदार्थ में लगी है, तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके स्वभाव का विकास नहीं कर रहा। आत्म अपने को ये पता नहीं भैया, अपन सोचते हैं भैया इस शरीर के बहुत दुख है, ये मर जाएंगे, हम तो मर जा रहे हैं, सब किसी को भी कुछ भी बोलो हम मर जाए तो अच्छा, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, तो भैया कहाँ जाओगे मर के। ऊपर जाने का तो मार्ग ही नहीं है, यहां से ऊपर से यदि तुम ऐसे प्रणाम कर रहे हो, चेतना का पतन करने की बात कर रहे हो, मरने के विचार आ रहे हैं, तुम आत्मा और शरीर में अंतर नहीं जान रहे, ये छोटे मोटे दुखों को, ठंडी गर्मी के दुख, किसी ने कुछ कह दिया, इन दुखों को दुख मान रहे हो, इन दुखों में दुखी कह रहे हो कि हम किसी काम के नहीं है, मर जाए तो अच्छा है। भगवान जन्म मरण से फुर्सत नहीं मिल रहा था, बस यहाँ से ऊपर जाओगे तो ऊपर ही उठते जाओगे, लेकिन जीव इस मनुष्य पर यार इतनी दया आती है, जो लोग कहते भैया मर जाते तो अच्छा, अरे भगवान तुम्हें पता नहीं तुम कौन सी भावना भा रहे हो, अज्ञानता में तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सी भावना भा रहे हो, और इस भावना का जब फल तुम्हारे हृदय में आएगा ना, जब तुम काटे काटे नहीं काट पाओगे इन भावों, इसलिए भगवान आत्मा विवेक जागृत रहे, आत्मा छह काय के जीवों पे दया रहे, और छह काय में मेरी आत्मा भी आत्मा भी आती है, अपनी आत्मा पे भी दया रहे भैया, इस पर दया कर दो, थोड़ी सी समभाव सहज भाव रखो भैया, सभी जीवों को एक समान देखो, सभी को ज्ञाता दृष्टा देखो, सभी को आनंद में देखो, दुखी जीवों को और दुखी करोगे तो वो दुख तुम्हारे अपने खाते में लिखोगे, दुखी जीवों को करना करो, जितना हो सके अधिक से अधिक अपने हृदय में तो करना का भाव रखो भैया, बाहर से जो थोड़ी बहुत द्रव हिंसा हो रही है उसका फल तो कड़ भी जाएगा, लेकिन भाव हिंसा का फल कटने वाला नहीं, थोड़ी बहुत अनजाने में या जान के जो आरंभी हिंसा आदि आदि हो रही है उसका फल तो शायद कड़ भी जाएगा, कटेगा ही, नर्क में कट जाएगा, लेकिन भैया ये भाव हिंसा हो रही है, अनुकंप का भाव नहीं है तो उसका फल नहीं कटेगा, वो नहीं कटने वाला, क्योंकि तो जीव प्रार्थना में जाएगा, जीव प्रार्थना से बड़ा कोई दोष नहीं है, चेतन को अचेतन मानने से बुरा कोई दोष नहीं है, विश्वास से बड़ा कोई दोष नहीं है, इसलिए भाव अहिंसा तो बननी चाहिए।